चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आज अयोध्या दौरे पर रहे, इस दौरान उन्होंने 40 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। अयोध्या को 90 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने किसान मेले का भी उद्घाटन किया। ये किसान मेला 3 दिन तक चलेगा। किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अन्नदाता के जीवन में खुशहाली लाना है, किसानों के जीवन में समृद्धि लाना ही मोदी सरकार का लक्ष्य। ये जितना भी काम हो रहा है इसका एक ही लक्ष्य है, जैसे कि वो अपने अन्नदाता किसानों के जीवन में खुशहाली लाना, उनकी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करना, और समृद्धि और खुशहाली का मार्ग निकलेगा तब जब किसान की खेती की लागत को कम किया जाएगा, उत्पादन बढ़ाया जाएगा, किसान को खेत से लेके खलिहान तक, बीज से लेके बाजार तक एक चेन के साथ जोड़ने का कार्य होगा, उसे नई तकनीक, समय पे बीज और खाद, समय पर कृषि वैज्ञानिकों की उचित सलाह और सहयोग उसे प्राप्त होगा, तो हमारा अन्नदाता किसान वह सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है जो देश उनसे अपेक्षा रखता है, जो अपेक्षा प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मैं अभिनंदन करूंगा प्रधानमंत्री जी के विजन का, और अभिनंदन करूंगा देश के अन्नदाता किसानों का जिन्होंने पिछले 6 वर्षों के अंदर रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन कर भारत की खाद्यान्न आत्मनिर्भरता को दुनिया के सामने एक बार फिर से साबित किया है। तो कुछ लोग जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता फिर गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, उन्होंने किसान भाइयों को गुमराह करना प्रारंभ कर दिया है, और गुमराह करने के लिए तमाम प्रकार का भ्रम पैदा करना, एक झूठ को बार बार बोलना, जिनके पास जिनको जनता नकार चुकी है वे लोग आज गुमराह करके देश के अंदर माहौल खराब करने का प्रयास करना चाहते हैं। लेकिन भारत की जनता प्रबुद्ध है, जागरूक है, भारत की जनता किसी भी प्रकार के गुमराह में नहीं आई, उसकी अटूट निष्ठा, उसके अटूट जो विश्वास है वह प्रधानमंत्री मोदी जी पर है। और आज यही कारण है कि बड़े बड़े किसान सम्मेलन के माध्यम से किसान भाई पूरी तरह प्रधानमंत्री मोदी जी का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहा है। इधर बागपत में गन्ना भुगतान समेत कई समस्याओं को लेकर किसानों ने मलकपुर चीनी मिल में हंगामा करते हुए धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। किसानों के हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को समझाकर शांत किया। दरअसल बागपत की निजी चीनी मिल मलकपुर पर किसानों का पिछले पेराई सत्र का करोड़ों रुपए बकाया और इससे किसानों को भारी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। चीनी मिल में किसानों के बैठने, पेयजल और शौचालय सहित समस्याओं से किसानों को जूझना पड़ा। इन्हीं समस्याओं से परेशान किसानों ने चीनी मिल में हंगामा करते हुए धरना प्रदर्शन किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।